लास्ट वीडियो में हमने उर्दू हरूफ पढ़े और साथ ही हमने उनकी पहचान भी की। आज के इस वीडियो में हम हरकतों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी में मात्राएं होती है, ए की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, उसी तरह से उर्दू में हरकतें होती है। हिंदी में जैसे मात्रा लगाने से शब्दों की आवाज़ चेंज हो जाती है, उसी तरह से उर्दू में हरकत लगाने से हरूफ की आवाज़ चेंज हो जाती है। उर्दू में तीन तरह की हरकतें होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। जब किसी हरूफ पर ज़बर लगाते हैं तो उसमें आ की आवाज़ निकलती है। जैसे कि ये अलिफ है, इस पर हमने ज़बर लगाया तो ये हो गया आ। ये बे है, इस पर हमने ज़बर लगाया तो ये हो गया बा। ये पे है, इस पर हमने ज़बर लगाया तो ये हो गया पा। ये ते है, इस पर हमने ज़बर लगाया तो ये हो गया ता। ये टे है, इस पर हमने ज़बर लगाया तो ये हो गया टा। इसी तरह से जिस हरूफ पर भी हम ज़बर लगाएंगे उसमें एक आ की आवाज़ निकलेगी, जैसे सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, ला, जा, सा या झा, सा, शा, स्वा, ज़ा, ता, ज़ा, आ, गा, फा, का, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, 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 या। तो किसी भी हरूफ पर जब ज़बर की हरकत आती है तो उसमें एक आ की आवाज़ निकलती है और उसको हम अलिफ, बे, पे पढ़ने के बजाय आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, ला, जा, सा, झा, सा, शा, सा, जा, ता, जा, आ, गा, फा, का, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, 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 या। इस तरह से पढ़ते हैं। इसी तरह दूसरी हरकत है ज़ेर। ज़ेर जिस हरूफ पर भी आ जाता है उसमें ई की आवाज़ निकलती है। जैसे कि अलिफ पर ज़ेर लगाया गया तो यहाँ पर ये हो गया ई। बे पर ज़ेर लगाया गया तो ये हो गया बी। पे पर ज़ेर लगाया गया तो ये हो गया पी। ते पर ज़ेर लगाया गया तो ये हो गया ती। टे पर ज़ेर लगाया गया तो ये हो गया टी। से पर ज़ेर लगाया गया तो ये हो गया सी। जीम पर ज़ेर लगाया गया तो ये हो गया जी। चे पर ज़ेर लगाया तो ये हो गया ची। हे पर ज़ेर लगाया तो ये हो गया ही। खे पर ज़ेर लगाया तो ये हो गया खी। इसी तरह से जिस हरूफ पर भी हम ज़ेर लगाएंगे उसमें एक ई की आवाज़ निकलेगी, जैसे दी, डी, जी, री, ली, सी, सी या झी, सी, शी, सी, जी, ती, जी, ई, गी, फी, ई, की, गी, ली, मी, नी, वी, ही, यी। तो दूसरी हरकत होती है ज़ेर, जिसको हरूफ के नीचे लगाया जाता है। ज़बर को हरूफ के ऊपर लगाया जाता है इस तरह से, और ज़ेर को हरूफ के नीचे लगाया जाता है इस तरह से। ज़बर जिस हरकत पर आ जाता है उसमें एक आ की आवाज़ निकलती है, जबकि ज़ेर जिस हरूफ पर आ जाता है उसमें एक ई की आवाज़ निकलती है, जैसे ई, बी, पी, ती, टी, सी, जी, ची, ही, खी, दी, डी, जी, री, ली, जी, झी, सी, शी, सी, जी, त,
ती जी ई गी फी की की गी ली मी नी वी ही यी। इसी तरह से तीसरी हरकत है पेश। पेश को हर्फ के ऊपर लगाया जाता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है जो आप यहाँ देख रहे हैं। जिस हर्फ पर भी पेश को लगा दिया जाता है उसमें एक ऊ की आवाज़ निकलती है। जैसे कि अलिफ के ऊपर हमने लगाया तो अब ये अलिफ पढ़ा जाएगा ऊ। बे के ऊपर लगाया तो बे पढ़ा जाएगा बू। पे के ऊपर पेश लगाया तो पे अब पढ़ा जाएगा पू। ते के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया तू। ते के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया टू। से के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया सु। जीम के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया जू। चे के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया चू। हे के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया हू। खे के ऊपर पेश लगाया तो ये हो गया खू। इसी तरह जितने हरूफ पर भी हम पेश लगाएंगे उन सब में एक ऊ की आवाज़ निकलेगी। जैसे कि दू डू जू रू लू जू झू सू शू सू जू तू जू ऊ गू फू कू कू गू लू मू नू वू हू 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 यू। तो इस सबक से आपको सिर्फ हरकतों को समझना है। जैसे कि हिंदी में मात्राएं होती है, जैसे बे है, बे के ऊपर आ की मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाता है बा, और बे के ऊपर छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाता है बू। बे पे ओ की मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाता है बो। इसी तरह से उर्दू में हरकतें होती है ज़बर, ज़ेर और पेश। जिस हरूफ पर भी हम ज़बर लगा देते हैं उसमें एक आ की आवाज़ निकलती है। ज़ेर जिस पर हम लगाते हैं उसमें एक ई की आवाज़ निकलती है। पेश जिस पर हम लगा देते हैं उसमें एक ऊ की आवाज़ निकलती है। ज़बर हरूफ के ऊपर होता है, ज़ेर हरूफ के नीचे होता है, पेश हरूफ के ऊपर होता है और उसकी शक्ल ऐसी होती है। तो इन सब को हम ऐसे पढ़ेंगे आ बा पा ता टा सा जा चा हा खा दा डा जा रा ला जा झा सा शा सा जा ता जा आ गा फा का का ग ल म न व ह ह ह य इ बी पी ती टी सी जी ची ही खी दी डी जी री ली जी झी सी शी सी जी ती जी ई गी फी की गी ली मी नी वी ही यी ऊ बू पू तू टू सु जू चू हू हू दू डू जू रू लू जू झू सु शू सु जू तू जू ऊ गू फू कू कू गू लू मू नू वू हू 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 यू। साथ ही यहाँ पर सभी हरूफ को बेतरतीब रखा गया है। यहाँ तरतीब के साथ है, अलिफ के बाद बे, बे के बाद पे के बाद ते के बाद टे, लेकिन यहाँ सभी हरूफ को अलग अलग बिना तरतीब के रखा गया है और सब पर हरकतें लगाई गई है। तो आप इनको भी समझेंगे। जैसे कि अलिफ उसके ऊपर पेश तो ये हो गया ऊ। जीम इसमें जेर है तो ये हो गया जी। बे इस पर पेश है तो ये हो गया बू। ये हो गया सू। ये हो गया टू। दी रू
ची, मा, ली, तू, दी, सा, टी, खा, जी, सू, सू, यी, शा, जा, ऊ, ती, गौ, की, फी, झू, की, नू, हु, ई, दा, झी, डा, पू। तो आपको हरकतों को अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ पर सभी को तरतीब के साथ लिखा गया है और उन पर हरकतें लगाई गई है, लेकिन यहाँ हरूफ को भी बिना तरतीब के रखा गया है और साथ ही हरकतें भी बिना तरतीब के आई है, कभी पेश, कभी जेर और कभी ज़बर। तो आपको इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे।